क्राइम ब्रांच पलवल ने फर्जी कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश, एक युवती सहित तीन धरे। इंस्टेंट लोन दिलाने के नाम पर करते थे ठगी, 10 मोबाइल जिनमें 7 स्मार्टफोन, 3 कीपैड, 4 पासबुक, 3 चेकबुक व 1 लैपटॉप और 6 रजिस्टर बरामद। डीएसपी ट्रैफिक पलवल संदीप मोर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक पलवल लोकेंद्र सिंह आईपीएस द्वारा जिला पुलिस को अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच पलवल प्रभारी निरीक्षक मोहम्मद इलियास की टीम ने धनी फाइनेंस ऐप से इंस्टेंट लोन देने का झांसा देने वाले गिरोह व उनके द्वारा संचालित फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी ट्रैफिक ने बताया कि गत दिनांक 3 जुलाई 2023 को उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित सीआईए टीम को सूचना मिली कि आल्हापुर गांव के निकट बनी कॉलोनी में एक युवक अपने साथियों के साथ मिलकर आम लोगों को फोन कॉल कर धनी फाइनेंस से इंस्टेंट पर्सनल लोन देने का झांसा देकर उनके साथ ठगी करता है। अगर हाल फिलहाल रेड की जाए तो उक्त युवक उसके साथी फ्रॉड करने में प्रयोग किए जाने वाले संसाधनों के साथ काबू किए जा सकते हैं। सूचना को सही मानकर महिला पुलिसकर्मी साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर रेड की गई तो वहां मकान के अंदर दो युवक और एक युवती फोन कॉल करते मिले। टीम ने जब वहां गहन जांच की तो मौके पर 4 स्मार्टफोन, 3 कीपैड कंपनी सैमसंग चालू हालत में टेबल पर रखे हुए मिले। इसके अलावा दूसरी मेज पर 4 पासबुक, 3 चेकबुक व 1 लैपटॉप और 6 रजिस्टर मिले जिनमें पेन से एंट्री की हुई थी। मौके पर मौजूद दोनों युवकों व लड़की ने कॉल सेंटर की तरह सिस्टम जमा रखा था। पुलिस पूछताछ में वहां मौजूद दोनों युवकों और लड़की ने अपना नाम ललित पुत्र वेद प्रकाश निवासी धतीर, अजीत पुत्र उदय भाटी निवासी मोहम्मदाबाद गौतम बुद्ध नगर यूपी, भावना पुत्री हरिराम निवासी राजीव नगर पलवल बताया। मौके पर पकड़ी गई लड़की भावना ने बताया कि इस सेंटर का संचालक ललित है और हम उसके लिए काम करते हैं। टीएसपी ट्रैफिक संदीप मोर ने बताया कि वो आम लोगों के पास फोन करते हैं और उन्हें धनी फाइनेंस से इंस्टेंट लोन देने का झांसा देते हैं और फाइल चार्ज के नाम पर 999 रुपए अपने ई वॉलेट में डलवाते हैं। उसके बाद हमारे झांसे में आए व्यक्ति की कॉल आने पर हम तरह तरह के अपूर्वल के नाम पर पैसे अपने ई वॉलेट या ट्रांसफर के जरिए लेते रहते हैं। जब तक लोन लेने वाला व्यक्ति हमें पैसा देता रहता है, हम किसी न किसी चार्ज के नाम पर उससे पैसे ऐंठते रहते हैं, उसके बाद उस सिम को तोड़कर फेंक देते हैं। पलवल से कमल कांत शर्मा की रिपोर्ट। ये सब एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है, कितने आरोपी गिरफ्तार किया है, क्या बरामद हुआ? पुलिस अधीक्षक पलवल श्री लोकेंद्र सिंह के मार्गदर्शन पर सीआईए पलवल द्वारा एक फर्जी कॉल सेंटर की सूचना प्राप्त होने पर कल वहां पर रेड की गई। रेड पर वहां पर एक महिला और दो लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। वो वहाँ पर फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे। फर्जी कॉल सेंटर के लोगों को कॉल करके उनसे पैसा ऐंठते थे, बैंक से लोन दिलाने के नाम पर उनसे पैसा ऐंठते थे। 999 रुपये उनसे तत्काल रसीद के पैसे लिए जाते थे। उसके बाद ये उनको 2-3 बार और लालच देते थे कि भी आपको पैसा जल्दी दिला दिया जाएगा। उनसे लगातार पैसे डलवाते रहते थे। 3-4 एंट्रियां होने के बाद ही खाते को बंद करा देते थे। इनके पास से टोटल 10 मोबाइल बरामद किए गए हैं, 7 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं, 3 कीपैड बरामद किए गए हैं, 1 लैपटॉप बरामद किया गया है, 6 रजिस्टर बरामद किए गए हैं, 4 पासबुक बरामद की गई है, 4 बैंक की चेकबुक बरामद की गई है। इनसे कुछ पैसे बरामद हुए, किस तरह से फर्जी ये अकाउंट में ऑनलाइन या पेटीएम के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करवाते थे। किसी नामालूम व्यक्ति का खाता लेके उसके खाते में पैसे डलवा के उससे पैसे से निकलवा लेते थे और उस पैसे का ये फिर खुद इस्तेमाल करते थे। ये अभी जांच का विषय है, अभी इसमें बताया नहीं जा सकता। अभी इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा, आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और जब इनसे पूछताछ की जाएगी, पूछताछ में पता किया जाएगा इन्होंने कितने लोगों के साथ चूना लगाया। अभी तक कहां पे चल रहा है ये? पलवल के अंदर ही चल रहा, सिटी एरिया के अंदर। लोकेशन आलापुर।